सिद्धार्थ मोक्ष प्रस्तुत कर रहा है अतुल्य संपूर्ण महाभारत। श्री महाभारतम कर्ण पर 9वां अध्याय। धृतराष्ट्र का संजय से विलाप करते हुए कर्ण वध का विस्तार पूर्वक वृत्तांत पूछना। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जिसने हमारे कार्य के लिए युद्ध स्थल में संपूर्ण काम्बोज निवासियों, अम्बष्टों, केकयों, गांधारों और विदेहों पर विजय पाई, इन सबको जीतकर जिसने दुर्योधन की वृद्धि के लिए समस्त भूमंडल को जीत लिया था, वही सामर्थ्यशाली कर्ण अपने बाहुबल से सुशोभित होने वाले शूरवीर पांडवों द्वारा सम्रांगण में परास्त हो गया। संजय, युद्ध स्थल में किरीटधारी अर्जुन के द्वारा उस महाधनुर्धर कर्ण के मारे जाने पर कौन कौन से वीर ठहर सके, यह मुझे बताओ। तात, कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि कर्ण को अकेला छोड़ दिया गया हो और समस्त पांडवों ने मिलकर उसे मार डाला हो, क्योंकि तुम पहले बता चुके हो कि वीर कर्ण मारा गया। समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भीष्म जब युद्ध नहीं कर रहे थे, उस दशा में शिखंडी ने अपने उत्तम बाणों द्वारा उन्हें सम्रांगण में मार गिराया। इसी प्रकार जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य युद्ध स्थल में अपने सारे अस्त्र शस्त्रों को नीचे डालकर ब्रह्म का ध्यान लगाए हुए बैठे थे, उस अवस्था में द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने उन्हें बहुसंख्यक बाणों से ढक दिया और तलवार उठाकर उनका सिर काट लिया। संजय, इस प्रकार ये दोनों वीर छिद्र मिल जाने से विशेषतः छल पूर्वक मारे गए। मैंने यह समाचार भी सुना था कि भीष्म और द्रोणाचार्य मार गिराए गए, परंतु मैं तुमसे यह सच्ची बात कहता हूं कि ये भीष्म और द्रोण यदि समर भूमि में न्यायपूर्वक युद्ध करते होते तो इन्हें साक्षात वज्रधारी इंद्र भी नहीं मार सकते थे। मैं पूछता हूं कि युद्ध में बहुत से दिव्यास्त्रों की वर्षा करते हुए इंद्र के समान पराक्रमी वीर कर्ण को मृत्यु कैसे छू सकी, जिसे देवराज इंद्र ने दो कुंडलों के बदले में विद्युत के समान प्रकाशित होने वाली तथा शत्रुओं का नाश करने में समर्थ सुवर्ण भूषित दिव्य शक्ति प्रदान की थी, जिसके तुणीर में सर्प के समान मुख वाला दिव्य सुवर्ण भूषित कंक पत्र युक्त एवं युद्ध में शत्रु संहारक तीखा बाण सदा शयन करता था, जो भीष्म द्रोण आदि महारथी वीरों की भी अवहेलना करता था, जिसने जमदग्नि नंदन परशुराम जी से अत्यंत घोर ब्रह्मास्त्र की शिक्षा पाई थी और जिस महाबाहु वीर ने सुभद्रा कुमार के बाणों से पीड़ित हुए द्रोणाचार्य आदि को युद्ध से विमुख हुआ देख अपने तीखे बाणों से उसका धनुष काट डाला था, जिसने 10,000 हाथियों के समान बलशाली वज्र के समान तीव्र वेग वाले अपराजित वीर भीमसेन को सहसा रथहीन करके उनकी हंसी उड़ाई थी, जिसने सहदेव को जीतकर झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा उन्हें रथहीन करके भी धर्म के विचार से दयावश उनके प्राण नहीं लिए, जिसने सहस्त्रों मायाओं की सृष्टि करने वाले विजयाभिलाषी राक्षस राज घटोत्कच को इंद्र की दी हुई शक्ति से मार डाला तथा इतने दिनों तक अर्जुन जिससे भयभीत होकर उसके साथ द्वैरथ युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सके, वही वीर कर्ण रणभूमि में मारा कैसे गया। संक्षप्तकों में से जो योद्धा सदा मुझे दूसरी ओर युद्ध के लिए बुलाया करते हैं, इन्हें पहले मारकर पीछे वह कर्तन कर्ण का रणभूमि में वध करूंगा, ऐसा बहाना बनाकर अर्जुन जिस सूत पुत्र को युद्ध स्थल में छोड़ दिया करते थे, उसी शत्रु वीरों के संहारक वीरवर कर्ण को अर्जुन ने किस प्रकार मारा। यदि उसका रथ नहीं टूट गया था, धनुष के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए थे और अस्त्र नहीं नष्ट हुए थे, तब शत्रुओं ने उसे किस प्रकार मार दिया। सिंह के समान वेगशाली पुरुष सिंह कर्ण जब अपना विशाल धनुष कपाता हुआ युद्ध स्थल में दिव्यास्त्र तथा भयंकर बाण छोड़ रहा हो, उस समय उसे कौन जीत सकता था। निश्चय ही उसका धनुष कट गया होगा या रथ धरती में धंस गया होगा अथवा उसके अस्त्र नष्ट हो गए होंगे, तभी जैसा कि तुम मुझे बता रहे हो वह मारा गया होगा। उसके नष्ट होने में और कोई कारण मुझे नहीं दिखाई देता है। जिस महामना वीर का वह भयंकर व्रत था कि मैं जब तक अर्जुन को नहीं मार लूंगा तब तक दूसरों से अपने पैर नहीं धुलाऊंगा, रणभूमि में जिसके भय से डरे हुए पुरुष शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर ने 13 वर्षों तक कभी अच्छी तरह नींद नहीं ली, जिस महामनस्वी बलवान सूत पुत्र के बल का भरोसा करके
मेरा पुत्र दुर्योधन पांडवों की पत्नी को बलपूर्वक सभा में घसीट लाया और वहां भी भरी सभा में उसने पांडवों के देखते देखते समस्त कुरुवंशियों के समीप पांचाल राजकुमारी को दास पत्नी बतलाया। साथ ही जिसने उसे संबोधित करके कहा, कृष्णे, तेरे पति अब नहीं के बराबर हैं, ये सभी थोथे दिलों के समान नपुंसक हो गए हैं। सुंदरी, अब तू दूसरे किसी पति का आश्रय ले। पूर्व काल में जिस सूत पुत्र ने सभा में रोष पूर्वक द्रौपदी को ये कठोर बातें सुनाई थी, वह स्वयं शत्रुओं द्वारा कैसे मारा गया? जिसने मेरे पुत्र से कहा था कि दुर्योधन, यदि युद्ध की श्लाघा रखने वाले भीष्म अथवा रणदुर्मद द्रोणाचार्य पक्षपात करने के कारण कुंती पुत्रों को नहीं मारेंगे तो मैं उन सबको मार डालूंगा। तुम्हारी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। गांडीव धनुष अथवा दोनों अक्षय तरकस मेरे उस बाण का क्या कर लेंगे जो चिकने चंदन से चर्चित हो शत्रुओं पर बड़े वेग से धावा करता है। ऐसी बातें कहने वाला कर्ण, जिसके कंधे बैलों के समान रिष्ट पुष्ट थे, निश्चय ही अर्जुन के हाथ से कैसे मारा गया? संजय, जिसने गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों के आघात की तनिक भी परवाह न करके कृष्णे अब तू पति हीना हो गई ऐसा कहते हुए कुंती पुत्रों की ओर देखा था, जिसे अपने बाहुबल के भरोसे कभी दो घड़ी के लिए भी पुत्रों सहित पांडवों और भगवान श्री कृष्ण से भी भय नहीं हुआ। तात, यदि शत्रु पक्ष की ओर से इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी धावा करें तो उनके द्वारा भी कर्ण के वध होने का विश्वास मुझे नहीं हो सकता था। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है, जब अधिरथ पुत्र कर्ण अपने धनुष की प्रत्यंचा का स्पर्श कर रहा हो अथवा दस्ताने पहन चुका हो, उस समय कोई पुरुष उसके सामने नहीं ठहर सकता था। संभव है यह पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की प्रकाशमयी किरणों से वंचित हो जाए, परंतु युद्ध में पीठ न दिखाने वाले पुरुष शिरोमणि कर्ण के वध की कदापि संभावना नहीं थी। जिस कर्ण और भाई दुशासन को अपना सहायक पाकर मूर्ख एवं दुर्बुद्धि दुर्योधन ने श्री कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकरा देना ही उचित समझा था, मैं समझता हूं आज बैलों के समान पुष्ट कंधे वाले कर्ण को गिरा हुआ तथा दुशासन को भी मारा गया देख मेरा वह पुत्र निश्चय ही शोक में मग्न हो गया होगा। द्वैरथ युद्ध में सव्यसाची अर्जुन के हाथ से कर्ण को मारा गया सुनकर और पांडवों की विजय होती देखकर दुर्योधन ने क्या कहा था, दुर्मर्षण और वृषसेन भी युद्ध में मारे गए। महारथी पांडवों की मार खाकर सेना में भगदड़ मच गई। सहायक नरेश युद्ध से विमुख हो पलायन करने लगे और रथियों ने पीठ दिखा दी। यह सब देखकर मेरा बेटा शोक कर रहा होगा ऐसा मुझे मालूम हो रहा है। जो किसी की सीख नहीं मानता है, जिसे अपनी विद्वत्ता और बुद्धिमता का अभिमान है, उस दुर्बुद्धि अजितेंद्रिय दुर्योधन ने अपने सेना को हतोत्साह देखकर क्या कहा। हितैषी सुहृदों के मना करने पर भी पांडवों के साथ स्वयं बड़ा भारी वैर ठानकर दुर्योधन ने जब संग्राम में उसके अधिकांश सैनिक मार डाले गए तब क्या कहा। युद्ध स्थल में अपने भाई दुशासन को भीमसेन के द्वारा मारा गया देख जबकि उसका रक्त पिया जा रहा था दुर्योधन ने क्या कहा। गांधार राज शकुनी के साथ सभा में दुर्योधन ने जो यह कहा था कि कर्ण अर्जुन को मार डालेगा, उसके विपरीत जब कर्ण स्वयं मारा गया तब उसने क्या कहा। तात, पहले द्युत क्रीड़ा का आयोजन करके पांडवों को ठग लेने के बाद जिसे बड़ा हर्ष हुआ था वह सुबल पुत्र शकुनी कर्ण के मारे जाने पर क्या बोला। वह कर्तन कर्ण को मारा गया देख सातवत वंश के महाधनुर्धर महारथी हृदिक पुत्र कृतवर्मा ने क्या कहा। संजय, धनुर्वेद प्राप्त करने की इच्छा वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य जिस बुद्धिमान द्रोण पुत्र के पास आकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, जो सुंदर रूप से संपन्न युवक दर्शनीय तथा महायशस्वी है, उस अश्वत्थामा ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा। तात, धनुर्वेद के आचार्य एवं रथियों में श्रेष्ठ गौतम वंशी शर्द्वान के पुत्र कृपाचार्य ने कर्ण के मारे जाने पर क्या कहा। युद्ध में शोभा पाने वाले रथियों में श्रेष्ठ मद्र देश के अधिपति बलवान वीर महाधनुर्धर मद्र राज शल्य ने अपने सारथित्व में कर्ण को मारा गया देखकर क्या कहा।
संजय, भूमंडल के जो कोई भी नरेश युद्ध के लिए आए थे, वे समस्त रण दुर्जय योद्धा वैकर्तन कर्ण को मारा गया देखकर क्या बातें कर रहे थे? संजय, रथियों में सिंह नरश्रेष्ठ वीरवर द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कौन कौन से वीर सेनाओं के मुख की रक्षा करते रहे? संजय, रथियों में श्रेष्ठ मद्रराज शल्य को कर्ण के सारथी के कार्य में कैसे नियुक्त किया गया, यह मुझे बताओ। युद्ध करते समय भी वीर सूत पुत्र के दाहिने पहिए की रक्षा कौन कौन कर रहे थे, अथवा उसके बाएं पहिए या पृष्ठभाग की रक्षा में कौन कौन वीर नियुक्त थे? किन शूर वीरों ने कर्ण का साथ नहीं छोड़ा और कौन कौन से नीच सैनिक वहां से भाग गए? तुम सब लोग जब एक साथ होकर लड़ रहे थे, तब महारथी कर्ण कैसे मारा गया? संजय, जिस समय शूर वीर महारथी पांडव पानी की धारा बरसाने वाले बादलों के समान स्वयं ही बाणों की वृष्टि करते हुए आगे बढ़ने लगे, उस समय महान बाणों में सर्वश्रेष्ठ दिव्य सर्पमुख बाण व्यर्थ कैसे हो गया, यह मुझे बताओ। संजय, मेरी इस सेना का उत्कर्ष अथवा उत्साह नष्ट हो गया है। इसके प्रमुख वीर कर्ण के मारे जाने पर अब यह बच सकेगी, ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता है। मेरे लिए प्राणों का मोह छोड़ देने वाले महाधनुर्धर वीर भीष्म और द्रोणाचार्य मारे गए, यह सुनकर मेरे जीवित रहने का क्या प्रयोजन है? जिसकी भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था, वह कर्ण पांडवों द्वारा मारा गया, यह बारंबार सुनकर मुझसे सहा नहीं जाता। संजय, द्रोणाचार्य के मारे जाने पर संग्राम में नरवीर कौरवों का शत्रुओं के साथ जैसा बर्ताव हुआ, वह मुझे बताओ। शत्रुहंता कर्ण ने कुंती पुत्रों के साथ जिस प्रकार युद्ध का आयोजन किया और जिस प्रकार वह रणभूमि में शांत हो गया, वह सारा वृत्तांत मुझे बताओ। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में धृतराष्ट्र का प्रश्न विषयक 9वां अध्याय पूरा हुआ। 10वां अध्याय, कर्ण को सेनापति बनाने के लिए अश्वत्थामा का प्रस्ताव और सेनापति के पद पर उसका अभिषेक। संजय ने कहा, भरतनंदन महाराज, उस दिन जब महाधनुर्धर द्रोणाचार्य मारे गए, महारथी द्रोण पुत्र का संकल्प व्यर्थ हो गया और समुद्र के समान विशाल कौरव सेना भागने लगी, उस समय कुंती कुमार अर्जुन अपनी सेना का व्यूह बनाकर अपने भाइयों के साथ रणभूमि में डटे रहे। भरत श्रेष्ठ, उन्हें युद्ध के लिए डटा हुआ जान आपके पुत्र ने अपनी सेना को भागती देख उसे पराक्रम पूर्वक रोका। भारत, इस प्रकार अपनी सेना को स्थापित करके जिन्हें अपना लक्ष्य प्राप्त हो गया था और इसीलिए जो बड़े हर्ष के साथ परिश्रम पूर्वक युद्ध कर रहे थे, उन विपक्षी पांडवों के साथ दुर्योधन अपने ही बाहुबल के भरोसे दीर्घ काल तक युद्ध करके संध्याकाल आने पर सैनिकों को शिविर में लौटने की आज्ञा दे दी। सेना को लौटाकर अपने शिविर में प्रवेश करने के पश्चात समस्त कौरव परस्पर अपने हित के लिए गुप्त मंत्रणा करने लगे। उस समय वे सब लोग बहुमूल्य बिछौनों से युक्त मूल्यवान पलंगों तथा श्रेष्ठ सिंहासनों पर बैठे हुए थे, मानो देवता सुखद शैयाओं पर विराज रहे हो। उस समय राजा दुर्योधन ने सांत्वनापूर्ण परम मधुर वाणी द्वारा उन महाधनुर्धर नरेशों को संबोधित करके यह समयोचित बात कही, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ नरेश्वरों, तुम सब लोग शीघ्र बोलो, विलंब न करो। इस अवस्था में हम लोगों को क्या करना चाहिए और सबसे अधिक आवश्यक कर्तव्य क्या है? संजय कहते हैं, राजा दुर्योधन के ऐसा कहने पर वे सिंहासन पर बैठे हुए पुरुष सिंह नरेश युद्ध की इच्छा से नाना प्रकार की चेष्टाएं करने लगे। युद्ध में प्राणों की आहुति देने की इच्छा रखने वाले उन नरेशों की चेष्टाएं देखकर राजा दुर्योधन के प्रातःकालीन सूर्य के समान तेजस्वी मुख की ओर दृष्टिपात करके वाक्य विशारद मेधावी आचार्य पुत्र अश्वत्थामा ने यह बात कही, विद्वानों ने अभीष्ट अर्थ की सिद्धि कराने वाले 4 उपाय बताए हैं, राग, योग, दक्षता तथा नीति, परंतु वे सभी दैव के अधीन हैं। हमारे पक्ष में जो देवताओं के समान पराक्रमी विश्वविख्यात महारथी वीर नीतिमान साधन संपन्न दक्ष और स्वामी के प्रति अनुरक्त थे, वे सब के सब मारे गए
तथापि हमें अपनी विजय के प्रति निराश नहीं होना चाहिए। यदि सारे कार्य उत्तम नीति के अनुसार किए जाएं, तो उनके द्वारा दैव को भी अनुकूल किया जा सकता है। अतः भारत, हम लोग सर्वगुण संपन्न नरश्रेष्ठ कर्ण का ही सेनापति के पद पर अभिषेक करेंगे और इन्हें सेनापति बनाकर हम लोग शत्रुओं को मत डालेंगे। ये अत्यंत बलवान शूरवीर, अस्त्रों के ज्ञाता रणदुर्मद और सूर्यपुत्र यमराज के समान शत्रुओं के लिए असहाय है। इसीलिए ये रणभूमि में हमारे विपक्षियों पर विजय पा सकते हैं। राजन, उस समय आचार्य पुत्र अश्वत्थामा के मुख से यह बात सुनकर आपके पुत्र दुर्योधन ने कर्ण के प्रति विशेष आशा बांध ली। भरत नंदन, भीष्म और द्रोणाचार्य के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, इस आशा को हृदय में रखकर दुर्योधन को बड़ी सांत्वना मिली। महाराज, वह अश्वत्थामा के उस प्रिय वचन को सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। तत्पश्चात अपने बाहुबल का आश्रय ले मन को सुस्थिर करके दुर्योधन ने राधा पुत्र कर्ण से बड़े प्रेम और सत्कार के साथ अपने लिए हितकर यथार्थ और मंगलकारक वचन इस प्रकार कहा। कर्ण, मैं तुम्हारे पराक्रम को जानता हूं और यह भी अनुभव करता हूं कि मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह बहुत अधिक है। महाबाहु, तथापि मैं तुमसे अपने हित की बात कहना चाहता हूं। वीर, मेरी यह बात सुनकर तुम अपनी इच्छा के अनुसार जो तुम्हें अच्छा लगे वह करो। तुम बहुत बड़े बुद्धिमान तो हो ही, सदा के लिए मेरे सबसे बड़े सहारे भी हो। मेरे दो सेनापति पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण, जो अतिरथि वीर थे, युद्ध में मारे गए। अब तुम मेरे सेना नायक बनो, क्योंकि तुम उन दोनों से भी अधिक शक्तिशाली हो। वे दोनों महाधनुर्धर होते हुए भी बूढ़े थे और अर्जुन के प्रति उनके मन में पक्षपात था। राधानंदन, मैंने तुम्हारे कहने से ही उन दोनों वीरों को सेनापति बनाकर सम्मानित किया था। तात, भीष्म ने पितामह के नाते की ओर दृष्टिपात करके उस महासमर में 10 दिनों तक पांडवों की रक्षा की है। उन दिनों तुमने हथियार रख दिया था, इसलिए महासमर में अर्जुन ने शिखंडी को आगे करके पितामह भीष्म को मार डाला था। पुरुष सिंह, उन महाधनुर्धर भीष्म के घायल होकर बाणशैया पर सो जाने के बाद तुम्हारे कहने से ही द्रोणाचार्य हमारी सेना के अगुआ बनाए गए थे। मेरा विश्वास है कि उन्होंने भी अपना शिष्य समझकर कुंती के पुत्रों की रक्षा की है। वे बूढ़े आचार्य भी शीघ्र ही धृष्टद्युम्न के हाथ से मारे गए। अमित पराक्रमी वीर उन प्रधान सेनापतियों के मारे जाने के पश्चात मैं बहुत सोचने पर भी सम्रांगण में तुम्हारे समान दूसरे किसी योद्धा को नहीं देखता। हम लोगों में से तुम ही शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ हो, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तुमने पहले, बीच में और पीछे भी हमारा हित ही किया है। तुम धुरंधर पुरुष की भांति युद्ध स्थल में सेना संचालन का भार वहन करने के योग्य हो, इसलिए स्वयं ही अपने आप को सेनापति के पद पर अभिषिक्त कराओ। जैसे अविनाशी भगवान स्कंद देवताओं की सेना का संचालन करते हैं, उसी प्रकार तुम भी धृतराष्ट्र पुत्रों की सेना को अपनी अध्यक्षता में ले लो। जैसे देवराज इंद्र ने दानवों का संहार किया था, उसी प्रकार तुम भी समस्त शत्रुओं का वध करो। जैसे दानव भगवान विष्णु को देखते ही भाग जाते हैं, उसी प्रकार पांडव तथा पांचाल महारथी तुम्हें रणभूमि में सेनापति के रूप में उपस्थित देखकर भाग खड़े होंगे। अतः पुरुष सिंह, तुम इस विशाल सेना का संचालन करो। तुम्हारे सावधानी के साथ खड़े होते ही मूर्ख पांडव, पांचाल और श्रृंजय अपने मंत्रियों सहित भाग जाएंगे। जैसे उदित हुआ सूर्य अपने तेज से तपकर घोर अंधकार को नष्ट कर देता है, उसी प्रकार तुम भी शत्रुओं को संतप्त एवं नष्ट करो। संजय कहते हैं, राजन, आपके पुत्र के मन में जो यह प्रबल आशा हो गई थी कि भीष्म और द्रोण के मारे जाने पर कर्ण पांडवों को जीत लेगा, वही आशा मन में लेकर उस समय उसने कर्ण से इस प्रकार कहा। सूत पुत्र, अर्जुन तुम्हारे सामने खड़े होकर कभी युद्ध करना नहीं चाहते हैं। कर्ण ने कहा, गांधारी नंदन, मैंने तुम्हारे समीप पहले ही यह बात कह दी कि मैं पांडवों को उनके पुत्रों और श्री कृष्ण के साथ ही परास्त कर दूंगा। महाराज, तुम धैर्य धारण करो,
मैं तुम्हारा सेनापति बनूंगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब पांडवों को पराजित हुआ ही समझो। संजय कहते हैं, महाराज कर्ण के ऐसा कहने पर राजा दुर्योधन अन्य सामंत नरेशों के साथ उसी प्रकार उठकर खड़ा हो गया जैसे देवताओं के साथ इंद्र खड़े होते हैं, जैसे देवताओं ने स्कंद को सेनापति बनाकर उनका सत्कार किया था, उसी प्रकार समस्त कौरव कर्ण को सेनापति बनाकर उसका सत्कार करने के लिए उद्यत हुए। राजन, विजयाभिलाषी दुर्योधन आदि राजाओं ने शास्त्रोक्त विधि के द्वारा कर्ण का अभिषेक किया। अभिषेक के लिए सोने तथा मिट्टी के घड़ों में अभिमंत्रित जल रखे गए थे। हाथी के दांत तथा गैंडे और बैल के सिंहों के बने हुए पात्रों में भी पृथक पृथक जल रखा गया था। उन पात्रों में मणि और मोती भी थे। अन्यान्य पवित्र गंधशाली पदार्थ और औषध भी डाले गए थे। कर्ण गूलर काठ की बनी हुई चौकी पर, जिसके ऊपर रेशमी कपड़ा बिछा हुआ था, सुखपूर्वक बैठा था। उस अवस्था में शास्त्र विधि के अनुसार पूर्वोक्त सुसंचित सामग्रियों द्वारा ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों तथा सम्मानित शूद्रों ने उसका अभिषेक किया और अभिषेक हो जाने पर श्रेष्ठ आसन पर बैठे हुए महामना कर्ण की उन सब लोगों ने स्तुति की। राजेंद्र, इस प्रकार अभिषेक कार्य संपन्न हो जाने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले राधा पुत्र कर्ण ने स्वर्ण मुद्राएं, गौएं तथा धन देकर श्रेष्ठ ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया। उस समय सूत, मागध और वंदी जनों द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनता हुआ राधा पुत्र कर्ण वेदवादी ब्राह्मणों द्वारा अभिमंत्रित उदयकालीन सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। तत्पश्चात पुण्यवाचन के शब्द से, वाद्यों की गंभीर ध्वनि से तथा शूरवीरों के जय जयकार से मिली जुली हुई भयंकर आवाज वहां सब ओर गूंज उठी। उस स्थान पर एकत्र हुए सभी राजाओं ने राधा पुत्र कर्ण की जय के नारे लगाए। वंदी जनों तथा ब्राह्मणों ने उस समय पुरुष शिरोमणि कर्ण को आशीर्वाद देते हुए कहा, राधा पुत्र, तुम कुंती के पुत्रों को उनके सेवकों तथा श्री कृष्ण के साथ महासमर में जीत लो और हमारी विजय के लिए कुंती कुमारों को पांचालों सहित मार डालो। ठीक उसी तरह जैसे सूर्य अपनी उग्र किरणों द्वारा सदा उदय होते ही अंधकार का विनाश कर देता है, जैसे उल्लू सूर्य की प्रज्वलित किरणों की ओर देखने में असमर्थ होते हैं, उसी प्रकार तुम्हारे छोड़े हुए बाणों की ओर श्री कृष्ण सहित समस्त पांडव नहीं देख सकते, जैसे हाथ में वज्र लिए हुए इंद्र के सामने दानव नहीं खड़े हो सकते, उसी प्रकार सम्रांगण में तुम्हारे सामने पांचाल और पांडव नहीं ठहर सकते हैं। राजन, इस प्रकार अभिषेक संपन्न हो जाने पर अमित तेजस्वी राधा पुत्र कर्ण अपनी प्रभा तथा रूप से दूसरे सूर्य के समान अधिक प्रकाशित होने लगा। काल से प्रेरित हुआ आपका पुत्र दुर्योधन राधा कुमार कर्ण को सेनापति के पद पर अभिषिक्त करके अपने आप को कृत कृत्य मानने लगा। राजन, शत्रुदमन कर्ण ने भी सेनापति का पद प्राप्त करके सूर्योदय के समय सेना को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दे दी। भारत, वहां आपके पुत्रों से घिरा हुआ कर्ण तारकामय संग्राम में देवताओं से घिरे हुए स्कंद के समान सुशोभित हो रहा था। इस प्रकार श्री महाभारत कर्ण पर्व में कर्ण का अभिषेक विषयक 10वां अध्याय पूरा हुआ। Oh,
यथार्थ मोक्ष।